Good afternoon to all of you students. Today we will study uh, the Cauchy's integral formula for the derivative of an analytic function. So it states that if a function fz is analytic in a region R, then its derivative at any point z is equal to a of r is also analytic in r and is given by f dash a, this is equal to 1 by 2 pi iota, then close integral over c f of z divided by z minus a whole square into dz. So, where c is any closed curve in r surrounding by the point z is equal to a. So, for proving this theorem, we will apply uh, first of all Cauchy's integral formula. So, we know that by Cauchy's integral formula, we have f of z is equal to f of a is equal to 1 by 2 pi iota integral over c f of z divided by z minus a. So now differentiating where this a is any parameter. So differentiating equation differentiating equation first with respect to a वी गेट सो जब हम ए से इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी एफ डैश ऑफ ए ये किसके इक्वल आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू टू पाई आयोटा देन क्लोज ओवर सी देन इट इज द पार्शल डेरिविटिव ऑफ ए ऑफ़ दिस फंक्शन दैट इज एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए इंटू डी जेड so this is equal to basically one by two pi iota then close integral over c uh, ये आपके पास बन जाएगा f of z divided by z minus a का हो जाएगा ये square into dz so means इसका ये first derivative आ गया so इसी तरीके से हम इसका second derivative third derivative निकाल सकते हैं और हम generally में इसका nth derivative भी निकाल सकते हैं so again uh, similarly again differentiating uh, this equation

टू पाई आयोटा देन क्लोज इंटीग्रल ओवर सी इट इज एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए का होल रेजिंग पावर फोर इंटू डी जेड सो देर फोर इन जनरल वी कैन से इन जनरल जो हमारे पास एफ nth डेरिवेटिव होगा ऑफ किसका ए का वो किसके इक्वल हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू पाई आयोटा देन इट इज क्लोज इंटीग्रल ओवर सी इट इज एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए रेजिंग पावर n प्लस वन इंटू डीजेड सो so, इस तरीके से हमने क्या करना है जब हमें डेरिवेटिव के लिए जो क्वेश्चन फाइंड करने होंगे उसके लिए हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सो दस इफ ए फंक्शन ऑफ ए कम्प्लेक्स वेरिएबल हैज फर्स्ट डेरिवेटिव इन ए सिंपल कनेक्टेड रीजन देन ऑल इट्स हायर ऑर्डर डेरीवेटिव एग्जिस्ट इन दैट रीजन सो अब हम इनके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं सो फर्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट इंटीग्रल ओवर सी इज पावर आयोटा जेड डिवाइडेड बाय जेड क्यूब डी जेड दिस इज इन इन दिस सर्कल सर्कल आपके पास गिवन है मोर जेड इज इक्वल टू टू सो सिंपली हमने यहां पे क्या करना है काशीज इंटीगल फॉर्मला अप्लाई करना है सो सो आई विल राइट हियर सबसे पहले पहले मैं पोल्स देखूंगी पोल्स के लिए मुझे क्या करना है डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर बेसिकली z क्यूब है इसको इक्वेट करना है जीरो के सो so मीन्स मेरे पास जो यहाँ पे पोल आएगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो सो मीन्स ये जो जीरो है ये किसका है ऑर्डर थ्री है इसका मैं इधर लिख देती हूँ ऑर्डर थ्री सो so अब यहाँ से अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे अप्लाई बाई Uh, Cauchy's integral formula we know that f of, uh, of nth derivative, so f of uh, f nth derivative of a this is equal to n factorial divided by 2 pi iota then close integral over c f of z divided by z minus a raising power n plus 1 into dz. सो so, अब यहां पे हमारे पास जो फंक्शन में जो इसमें एफ जेड पार्ट है वो किसके इक्वल है दिस इज इक्वल टू इ रेज पावर आयोटा जेड सो हम इसका क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा आयोटा इ रेज पावर आयोटा जेड अगर हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो जाएगा वो किसके किसके इक्वल हो जाएगा आयोटा स्क्र इ रेज पॉल आयोटा जेड सो ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस इ रेज पावर आयोटा जेड सो अब हम अगर इस फंक्शन की वैल्यू कहां पर निकालें इस पोल पे मीन जीरो पे सो मीन्स एफ ऑफ जीरो आ जाएगा अगर एफ ऑफ जीरो देखना हमें ई रेज पावर जीरो पावर जीरो इज वन इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा एफ uh, अगर इसी तरीके से जो इसका एफ डबल डैश एट जो जीरो होगा uh, उसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी ई रेज माइनस ई रेज पावर एयोटा इंटू जीरो हो जाएगा आपके पास माइनस वन के इक्वल सो so, अब हम क्या करेंगे ये सारी जो वैल्यूज है हम इसमें पुट कर लेंगे सो so, हमारे पास क्या आ जाएगा दियर फॉर आई विल राइट हियर सो नाउ जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसमें यहाँ पे मैं टू पाई एवेटा से इसको क्रॉस मल्टीपल कर रही हूँ तो ये बन जाएगा एफ एंथ डेरिटिव एट ए दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल देन यहां से आ जाएगा आपके पास ये एन फैक्टोरियल भी इसके नीचे ले, ले लेती हूँ So, ये आपके पास आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए रेजिंग पावर एन प्लस वन इंटू डी जेड सो अब एफ ऑफ जेड हमारे पास है वो इसमें सब शूट कर लेते हैं ये आ जाएगा टू आयोटा सो यहाँ पे जो इसका एन, मीन्स यहाँ पे जो एन की जगह पे मैंने इसके दो ही डेरीवेटिव निकाले थे तो यहां पे मैं लिखूंगी एफ टू एट ए ए कितना था हमारा ए हमारे पास वो पॉइंट था और उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी आई मैनस वन आई थी ये एफ डबल डैश एट ए मीन जीरो पे क्या वैल्यू ले रहा था वो मैं यहां पे लिख लेती हूं एट जीरो सो डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल की जगह पे हो गया टू फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड था हमारे पास इ रेज पावर एयोटा जेड और यहां पे आ गया जेड क्यूब इंटू डी जेड सो यहां से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास बच जाएगा पा आयोटा और ये वाला टर्म की वैल्यू थी हमारे पास माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू दिस दैट इज इंटीगलोज इंटीगलर सी देन ई रेज जेड डिवाइडेड बाई जेड क्यूब इंटू डी जेड सो यहाँ से आ जाएगा माइनस पाई आयोटा इज इक्वल टू दिस इंटिकल सी देन ई रेज पावर आयोटा जेड डिवाइडेड बाई जेड क्यूब इंटू डी जेड सो दिस इज द आंसर दिस माइनस पाओटा इज द आंसर सो so, बेसिकली हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव तक ही क्यों रुक गए क्योंकि देखें कि जो सेकेंड डेरिवेटिव तक जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं ना वो इस सर्कल के अंडर बेसिकली uh, है ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं इस सर्कल में लाइक like कर रहे हैं मीन्स सर्कल विथ सेंटर जीरो एंड रेडियस टू मीन्स वन और माइनस वन भी उस सर्कल के अंदर आएगा मगर जब हम मान के चले अगर हम इसका थर्ड डेरीवेटिव निकालते तो थर्ड डेरीवेटिव हमारे पास बेसिकली क्या आ जाता है एफ ऑफ जेड वो हमारे पास आ जाता है माइनस आयोटा टाइम्स ई रेज पॉल आयोटा जेड और जब हम इसकी वैल्यू निकालते कहाँ पे एट जीरो पे निकालते तो वो वैल्यू कितनी आ जानी थी हमारी बेसिकली ये हमारी बन जानी थी यहां से माइनस टाइम्स अयोटा और इ रेज पावर अयोटा जीरो ये हमारे पास माइनस अयोटा आना था मगर ये जो माइनस अयोटा है बेसिकली वो इस सर्कल में क्या करेगा लाइन नहीं करेगा इसलिए यहां तक हमने इसको लिया ही नहीं सिर्फ वहां तक हमने लिया जहां तक इसकी वैल्यू जो इस सर्कल में पॉइंट्स क्या करेंगे लाइक करेंगे सो so उसके ऊपर हमने एन्थ डेरिवेटिव अप्लाई किया मींस यहां पे मैंने दो बार ही डेरिवेटिव लिया तो एन की जगह पे टू हो गया देन इट विल बिकम टू फैक्टोरियल और बाकी सारा वही जो आपके पास इंटीग्रल था वो एज इट इज आएगा जाएगा यहाँ से इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ माइनस पाई आयोटा सो so, इस तरीके से आपने क्या करना है क्वेश्चन uh, सॉल्व करने आप इसमें एक चीज़ और से भी समझ सकते हैं कि मीन जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे हमने फॉर्मूला में लिखा है ना एन प्लस सो मीन्स एन यहाँ पे क्या होगा जब ये ये जो z है मतलब मीन्स इसकी जो ऊपर की वैल्यू है ये थ्री बनेगी मीन्स n अगर टू होगा तो टू प्लस वन क्या बन जाएगा थ्री बन जाएगा इसलिए आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें फिर इसके दो डेरिवेटिव्स तक लेना है इसी तरीके से अगर ये z लेस पावर फोर होता तो तुमने यहीं से कलेक्टली हमें पता चल जाता कि n किसके इक्वल होना चाहिए थ्री के इक्वल होना चाहिए सो so दैट हमारे पास जो वैल्यू आएगी ऊपर जो उसका पावर होगा वो फोर बन जाएगा इसका मतलब उसका जो डेरीवेटिव है हमें वो आफ, 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 कितने टाइम्स निकालना है थ्री टाइम्स निकालना है एक क्वेश्चन और मैं करके दिखाती हूं आपको तो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इवैल्यूएट दिस इंटीगल इेज पार टू जेड डिवाइडेड बाई जेड रेजिंग पावर फोर डी जेड द सर्कल जो की, जो सर्कल की इक्वेशन है दैट इज नॉट जेड माइनस वन दिस इज इक्वल टू टू सो अब हमें इसको सॉल्व करना है सो so सेम यहाँ पे सबसे पहले हमें पोल्स फाइंड करने हैं तो पोल्स के लिए हम क्या करेंगे इसमें जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको इक्वेट करेंगे जीरो के सो so सिंपली हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जेड प्लस वन किसकी इक्वल आएगा जीरो एंड जेड इज इक्वल टू हमारे पास आएगा दिस इज इक्वल टू माइनस वन सो आई विल राइट z इज इक्वल टू माइनस वन सो दियर फोर बाय काशी इंटीगल फॉर्मूला ऑफ एंथ डेरीवेटिव किसके दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू पाई आयोटाड बाई जेड माइनस ए रेजिंग पार एन प्लस वन इंटू डीजेड सो क्लियरली अब देखें यहाँ पे जो मेन uh, क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन में यहाँ पे फोर है ठीक है सो मीन्स हम देखेंगे कि यहाँ पे फोर आने के लिए एन कितना होना चाहिए थ्री होना चाहिए सो so मीन्स हमें इसका कम से कम कम से कम इसका जो ऑर्डर हमें जो इसका डेरीवेटिव निकालना है थर्ड ऑर्डर तक निकालना है सो so क्लियरली यहाँ पे एन किसके को लाएगा थ्री को। तो so मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ अब मैं इसका क्या करूंगी uh, इसका जो है डेरीवेटिव निकालूंगी अपू थर्ड डिग्री तक सो so, वो किसकेकल आ जाएगा सो हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर टू जेड सो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास बन जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा टू इंटू ई रेज पावर टू जेड दैन सेकेंड डेरीवेटिव विल बी फोर टाइम्स ई रेज पावर टू जेड एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी एट टाइम्स ई रेज पावर टू जेड अब हमने क्या करना है इस पे वैल्यूज़ फाइंड करनी है अब पॉइंट हमारे पास क्या है जेड इज इक्वल टू माइनस वन सो आई विल राइट एफ एट माइनस वन ये आ जाएगा ई रेज पावर माइनस टू इसी तरीके से एफ डैश एट माइनस वन वो किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से आप निकाल सकते हैं टू ई रेज पावर माइनस टू इसी तरीके से एफ डबल डैश एट माइनस वन आ जाएगा फोर ई रेज पावर माइनस टू एंड एफ ट्रिपल डैश एट माइनस वन ई विल बी ए टाइम्स ई रेज पावर माइनस टू सो ये हमने इसके डेरिवेटिव्स निकाल दिए अब हमने क्या करना है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अप्लाई पुट करना है सो so, डायरेक्टली अब यहाँ से जो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा वो किसके इक्वल होगा एफ़ अब ये आ जाएगा एफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ ए दिस इज इक्वल टू थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू पाई अयोटा ए रेजिंग पावर एन प्लस वन इंटू डी जेड अब यहाँ पे वैल्यू सब शूट कर लेते हैं so, सो ये हमारे पास आ जाएगा एफ थर्ड एट ए जो है वो कितनी वैल्यू आ रही है एट ई रेज पावर माइनस टू और साथ में क्या करूंगी मैं ये थ्री फैक्टोरियल इसके नीचे ले आती हूँ सो थ्री फैक्टोरियल

टू इंटू टू पाईटा डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे थ्री इंटू टू फैक्टोरियल टू और टू कैंसिल हो गया सो so हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एट ई रेज पावर माइनस टू पाईटा डिवाइडेड बाई थ्री सो दिस इज द आंसर सो इसी तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करें और इन जो काशीज इंटीग्र फॉर्मूला फॉर एंथ डेरिवेटिव एंड फॉर सिंपल जो टर्म्स आएंगी उनके लिए सो थैंक यू